गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ कुछ छोटे छोटे डाटा ऐसे मिलते हैं, इसको लोग इस्तेमाल लीजिए कि दिए गए डाटा में कुछ डिफरेंशन मिल जाए, रेंज हो जाए, या क्वाड्रेट शब्द आता है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर का नाम ही है मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन। जो ये चैप्टर जो है थोड़ा सा नया चैप्टर है, डालेंगे मेजर ऑफ, डालिए मेजर ऑफ डिप्रेशन। मेजर ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या है, उसकी कितनी गहराई है, डेप्थ क्या है, ठीक है, कितना रेंज है, ठीक है। जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं, जो वैरायटी फाइंड करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास एक इंडिविजुअल हमारे पास डाटा दिया गया है, इंडिविजुअल हमारे पास डिस्ट्रक्शन दिया गया है, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग न्यूमेरिकली ट्रेंड पे एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ध्यान रखेंगे। गुड इवनिंग वर्मा जी, सॉरी थोड़ा सा आज लेट हो गया। हम कोशिश करेंगे कि और क्लास को थोड़ा सा और अर्ली करें। तो जो हमारे पास एक रेंज दिया गया है, इस रेंज में क्या है कि जो एक फाइनल लिमिट से और एक छोटे लिमिट में, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास मिलता है उसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो एक रेंज है, उस रेंज को अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिसमें जो न्यूमेरिकल ट्रेंड दिए गए हैं, ठीक है, उस न्यूमेरिकल ट्रेंड की अगर एवरेज वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होता है तो उसको हम लोग डिप्रेशन डाटा कहा जाता है, ठीक है। डिप्रेशन होता क्या है कि जो भी हमारे पास एक इंडिविजुअल आइटम से एक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने भाग में डिवाइड किया गया, उसके ट्रेंड को देखना, उसके इंडिविजुअल वैल्यू को देखना, उसके डिफरेंशियल वैल्यू को देखना, यह कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। आप लिख सकते हैं कि द न्यूमेरिकल वैल्यू, या लिख सकते हैं द डिग्री टू विच, द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू, न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट, स्प्रेड मतलब फैला, स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू, स्प्रेड अबाउट एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ डाटा। सीधी सी बात है, जो भी डाटा हमारे पास है वो स्प्रेड फैला हुआ है, उससे हम एक एवरेज वैल्यू में कैलकुलेट कर ले, उससे हम लोग कहते हैं क्या चीज, डिप्रेशन डाटा, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हमारे बायोलॉजिकल फार्मोलॉजिकल में, जैसे में लेंथ हो गया, वेट हो गया, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज हो गया, आरबीसी काउंट हो गया, ठीक है, इन सब डाटाओं को कैलकुलेट करना हम कैसे निकालते हैं। तो अब ध्यान रखेंगे, जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, ये डाटा हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल डाटा होता है। आपको पता है ये इतना बेनिफिशियल डाटा होता है कि ये बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। पहली बात क्या होता है, ये पहली बात की सबसे सिंपल तरीके से ये कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, और ये आसानी से डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये डिप्रेशन खास दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहली बातें क्या होती है कि ये आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आपको बताया बहुत आसानी तरीके से ये कैलकुलेट हो जाता है और इसे बहुत आसानी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है हमेशा एक प्रिसिवी वैल्यू देता है, मतलब लगभग लगभग समझ लीजिए कि एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ठीक है। तीसरा जो क्या होता है कि ये एक डिपेंड, ये सारे के सारे सिस्टम जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन सीरीज पर डिपेंड करता है, ये सारे के सारे चीज होती है वह ऑब्जर्वेशन सीरीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारे के सारे सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वेशन सीरीज पर डिपेंड करता है, ठीक। तो तीसरी चीज कहता है कि इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस आइटम होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस एक्सट्रेंस आइटम होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इसमें आइटम्स पाए जाते हैं, ठीक। और दूसरा चीज हो कि स्टेटिकल कैलकुलेशन जो होती है वो हमेशा एक फाइनली एक ऑर्डर में कैलकुलेट होती है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक
ठीक है, ये आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, इसमें एग्जैक्ट डाटा मिल जाता है, ये ऑर्डर में सिलेक्टेड होता है, ठीक है, ये हर जगह आसानी से अवेलेबल वाला डाटा है। सबसे बड़ी चीज होती है कि इसमें इरर बहुत कम मिलते हैं, मतलब इसमें जो गलतियां होती हैं वो बहुत कम मिलता है, बहुत रियर मिलता है। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं मेजर, क्या क्या मेजर होता है, तो मेजर सॉरी क्या क्या मेथड होता है, डालिए मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ डिप्रेशन, मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ डिप्रेशन, क्या क्या मेथड्स होता है, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं हम लोग डिप्रेशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला होता है रेंज, दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल, QUARTIL क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तीसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग कहते हैं मीन डेविएशन, चौथा जो मेथड होता है उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और पांचवा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएंस। सबसे मजेदार बात आपको बताएं, इसमें सारे जितने भी डेविएशन है, जो भी हमको छोटे छोटे इरर मिलते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको, हम कैसे करेक्ट वेरीफाई करेंगे, ये चीजें इसमें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो डेविएशन का ही मतलब होता है कि जो डाटा हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में दिया गया है उसे एक करेक्टली ऑर्डर में सजाना। आप इतना समझ लो डेविएशन का मतलब ही क्या है, जो हमारे पास मान लो कहा जाए कि 500 लोगों को डाटा दे दिया गया, ठीक है, एक डाटा है दे दिया गया 500 लोगों, उसको अरेंज कर दिया गया, उसमें देते समय कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ठीक है, जब कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो उसमें मिल गया इरर, तो जो ओरिजिनल डाटा था उसके डेविएशन में हमको उससे क्या मिल गया, और जो बाद का डाटा मिला उसमें जाहिर सी बात है रेंज हमें अलग अलग मिल जाएगा। दूसरी चीज आपको सिंपल तरीका आपको बताते हैं, जैसे में हमारे ब्लड में हमारे बॉडी में हर चीज का प्रोटीन का लेवल, फैट का लेवल, कार्बोहाइड्रेट का लेवल, ब्लड का लेवल, सबका लेवल मेंटेन रहता है, एक रेंज होता है इतने से लेकर इतने तक। ठीक है, जैसे फीमेल में क्या होता है 10 से 12 से लेकर 14 तक, मेल में क्या होता है 14 से लेकर 16 तक, ये हीमोग्लोबिन का एक रेंज होता है। ठीक है, तो इनिशियल टू फाइनल ये रेंज हुआ, अब उसके बाद क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की हमारी एक डाटा आती है, ठीक, मान लो हमारे हीमोग्लोबिन जो है 12, तो 12 क्या है 14 से नीचे है, तो ये मिल गया हमको डेविएट कर गया, मतलब हमारे हीमोग्लोबिन की रेंज जो है जिस रेंज में हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होना चाहिए उससे हमारा कम मिला, ये है इसमें डेविएशन, ये है इसमें बदलाव। ठीक है, तो इस तरह के जो भी हमारे पास रेंज का मतलब ही क्या होता है, एक इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू, एक दो वैल्यू के बीच में। कहते हैं ना कि हमारे यहां कितने लोग एजुकेटेड है, तो कहेंगे 50-60%, 70-80%, ये जो है 70-80 के एक रेंज देते हैं। हम कहें कि बताइए हाउ मेन, कितने परसेंट हम सिलेबस को कवर कर चुके, तो कर सकते हैं ना कि माय स्टैटिस्टिक्स सिलेबस करीब करीब हम 60-70% सिलेबस कवर कर चुके हैं। आई एम नॉट सो एग्जैक्ट हम कितना कवर कर चुके हैं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम कितना कवर कर चुके हैं, जिसे कहते हैं रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है कि एक इनिशियल से लेकर एक फाइनल तक एक ये वैल्यू जो होती है उसे रेंज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास है वो है रेंज। रेंज का मतलब ही होता है कि कोई भी डिप्रेशन हम मेजर करते हैं कहां से कहां तक, एक इनिशियल फाइनल एक स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेकर और एक लार्जेस्ट वैल्यू, इसे हम लोग कहते हैं रेंज। आई बात समझ में, तो द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। जैसे मैं एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग क्लास इंटरवल पढ़ते थे ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50, ये क्या है, एक रेंज है। कि हम कहते थे कि 0 से 10 हाइट हम लोग करते थे, मान लिया कहे कि हाइट ऑफ फीस पढ़ते थे हम लोग,
सेंटीमीटर तक, 0 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर तक, 11 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक, 21 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक, 31 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक। ये जो ये रेंज बोलते थे, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक की मछलियों की संख्या, ये रेंज है। मतलब लोअर लिमिट और हायर लिमिट, ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट लिमिट और लोअर लिमिट, सॉरी हाइएस्ट लिमिट। तो इनके जो बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेंज। ठीक है, तो एक काम करो, हम एक एक करके आज हम रेंज पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग एक क्लास में सेमी क्वाड्रेट पढ़ लेंगे। क्योंकि ध्यान रखेंगे ये एग्जामों में डायरेक्ट रूप से इसके डेफिनेशन पूछे जाते हैं, मेरिट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, इसके डिमेरिट्स पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम इस पे पहले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके फिर उसके बाद इसके मेरिट्स और इसके डिमेरिट्स। तो काम करो, सबसे पहले लिखो रेंज किसे कहते हैं। देखो, रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिप्रेशन, रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिप्रेशन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू क्या आएगा, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, एल फॉर लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो एल फॉर लार्जेस्ट आइटम और ये क्या है, स्मॉलेस्ट आइटम। ठीक है, तो लार्जेस्ट आइटम और स्मॉलेस्ट आइटम के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं रेंज। ठीक है, चलेगा। अब देखो, जो कोफिशियंट होता है, कहते हैं ना कि कोफिशियंट ऑफ रेंज जो होता है वो हम लोग, अगर हम यहीं से कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ रेंज ये निकालने का फॉर्मूला होता है एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। कोफिशियंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है एल माइनस एस अपॉन में एल प्लस एस। ठीक है, चलिए यहां से बढ़े। अब यहां शुरू करते हैं क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चन लगाते हैं। देखो, कैलकुलेट द रेंज एंड कोफिशियंट ऑफ रेंज ऑफ वेट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स स्टूडेंट इन किलोग्राम फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है। ठीक है, वेट ऑफ स्टूडेंट्स दे देते हैं हम। दस स्टूडेंट का हम वेट दे दिए, किसमें है ये, केजी में है। पहले इसका रेंज कैलकुलेट करना है। देखो, जब भी आपको रेंज कैलकुलेट करना होगा ना, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इसे एक आप ऑर्डर में सजाओगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, सजाना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर सोचो, देखो सबसे छोटा कौन सा है, 25। ठीक है, हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, 25, 30, 45, 50, 55, 60 के दो बच्चे हैं, 70 और 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हो गए। आपको सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है।
ठीक। अब निकालना है इसमें लोअर लिमिट कितना है, एल, तो सबसे छोटा कितना है 25, और सबसे बड़ा कितना है एल, लोअर कितना है। आप एक काम करो, नॉट फॉर एल, फॉर लार्जेस्ट, लार्जेस्ट आइटम, और एस फॉर स्मॉलेस्ट आइटम। एल निकालो और एस निकालो, एस एल की वैल्यू कितना है 90 और एस की वैल्यू कितना है 25, ठीक है। अब निकालो यहां से रेंज, रेंज इज इक्वल टू क्या, कितना होता है एल माइनस एस, तो 90 माइनस 25 कितना हो गया 65, ये हो गया इसका रेंज। आई बात समझ में, और यहीं से कोफिशियंट ऑफ रेंज, कोफिशियंट ऑफ रेंज कितना होगा एल माइनस एस अपॉन में एल प्लस एस, ठीक है, तो कितना होगा 90 माइनस 25 अपॉन में 90 प्लस 25, यानी कि कितना 65 अपॉन में 115, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर देना, जो भी आएगा वह उसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रेंज और कोफिशियंट ऑफ रेंज निकालते हैं, सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिए। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम है, पता है फाइनल ईयर का या बीएससी के किसी पेपर में आप स्टैटिक्स, हम आपसे कितनी बार बोले हैं स्टैटिक्स ये ना कहें कि सर हम लोग बायो के स्टूडेंट हैं, हम लोग को मैथ इतना पढ़ने पड़ता है, ठीक है। हमने स्टैटिक्स के पहले क्लास में भी कहा था कि ये बायो के स्टूडेंट हो आप, इस बात से आपको फक्र होनी चाहिए कि हम साइंस वाले हैं मैथ पढ़ रहे हैं। लेकिन जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनको भी ये स्टैटिक्स पढ़ना है, और इससे डिफिकल्ट स्टैटिक्स पढ़ना है जो बच्चे इकोनॉमिक्स के होते हैं। थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू 0.04, 0.14, ठीक है। तो जितने भी मैथ के बच्चे, आर्ट्स के जो बच्चे हैं ना उनको भी स्टैटिक्स पढ़ना है। आप तो मैथ बायो के बच्चे हैं, आपको तो चलो आप लोग को तो थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ना था, वहां मैथ्स मिल गया तो मिल गया। तो ये स्टैटिक्स हर जगह है, कॉमर्स के बच्चे के पास है, हम लोग को छोड़ो, छोड़ो दुनिया को छोड़ो, हम लोग एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एक एमबीबीएस के बच्चों को स्टैटिक्स पढ़ना है। हम लोग पूरी की पूरी एक पूरा बुक पढ़े हैं स्टैटिक्स का, आप लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हो, एक यूनिट पढ़ रहे हो, हम पूरा एक बुक पढ़े हैं स्टैटिक्स का। क्यों? क्योंकि हमें आगे चल के पेशेंट को देखना है कि पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कितना है, उसका फ्रुक्टोज लेवल कितना है, ब्लड का बीपी, उसका ब्लड प्रेशर का लेवल कितना बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, उसकी डायबिटीज की क्या कंडीशन हो सकती है, आगे चलकर कितना मेडिसिन का डोज देना है, ये सारा का सारा एस्थेटिक डिसाइड करता है। कितना स्टैंडर्ड एरर होना चाहिए उसमें, हमारे कैलकुलेशन में कितनी गलती हो रही है, कहां हम वैल्यू को करेक्ट टू इनकरेक्ट कर सकते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है एस्थेटिक सिखाती है। इसलिए एस्थेटिक्स की हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। पढ़ाई कितना देर करते हैं, हमारा पढ़ने का रेंज कितना होना चाहिए, 1 घंटे से 2 घंटा 2 घंटे से 4 घंटा, ये रेंज है, इसी चीज को हम एस्थेटिक्स ही कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द रेंज एंड कोफिशियंट ऑफ रेंज, कैलकुलेट द रेंज एंड कोफिशियंट ऑफ रेंज, कैलकुलेट द, गुड इवनिंग सूरज, कैलकुलेट द रेंज एंड कोफिशियंट ऑफ रेंज ऑफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी थर्ड ईयर, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी थर्ड ईयर, ठीक है। हम 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स देते हैं आपको, 10 स्टूडेंट का मार्क्स आपको देते हैं, और 10 स्टूडेंट के मार्क्स का आपका रेंज कैलकुलेट करना है, कोफिशियंट ऑफ रेंज बताना है, ठीक है, कितना होगा। चलिए मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं, 60, 40, 35,
75 90 92 86 77 85 और एक बच्चे का नंबर जो है आपका है 57। ये 10 स्टूडेंट का मार्क्स है। कोई बात नहीं सूरज, क्या दिक्कत है? कौन सी क्लास तुमको अटेंड करनी है? सारी? तो आज हम खुद ही लेट से क्लास शुरू किया, तो अच्छा हुआ कि आपको क्लास मिल गया, तभी तक हमारी क्लास खत्म हो गई होती। करीब करीब क्लासेज जो है आपका, अब अभी तो थोड़ा सा, अभी जो हम क्लास ले रहे हैं वो तो है आपके इंडिया टाइम से 6:30 बजे से, अप्रोक्स 6:30 से क्लास शुरू होती है। लेकिन अब ये क्लास की टाइमिंग और पीछे हटेगी, मतलब ये क्लासेस हो सकता है कि 6 बजे से हम शुरू करें, ठीक है? तो ये 6 और 6:30 के रेंज में क्लासेस की टाइमिंग होगी। कोई नहीं, हम तुमको वो कर देंगे ना, व्हाट्सएप पे इसका लिंक भेज देंगे, अगर हमें याद आया तो। भाई प्रॉमिस नहीं कर रहे, क्योंकि आपके यहाँ जब 6:30 होता है तो हमारे यहाँ रात का 9:00 रहता है। अभी हमारे यहाँ 12:11 हो रहा है, 12 बजे रात को क्लास ले रहे हैं, ठीक है? चलो, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट हमारे पास दे दिया गया है। अब इसका क्या करो, आप रेंज कैलकुलेट करो, ठीक है? इसका रेंज बताना है। क्या करोगे सबसे पहले, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट को एक ऑर्डर में सजा लो, ठीक है? ऑर्डर में सजाओ। सबसे पहला, सबसे मिनिमम मार्क्स किस स्टूडेंट का है? 35, सबसे गधा स्टूडेंट 35 मार्क्स है। फिर उसके बाद 35 के बाद मार्क्स 40 है, 40 के बाद कितना मार्क्स मिला है, इसके बाद 60 है, 60 के बाद कितना है सर, एक मिनट, इसके बाद एक 57 वाला भी है, 35 हो गया, 40 हो गया, 57 हो गया, 57 के बाद मार्क्स 60 है, 60 के बाद कितना मार्क्स है 75 है, 75 के बाद 77 है, फिर 85 है, 86 है, 90 है और 92 है, ठीक है? ये है इनके मार्क्स के बढ़ता हुआ क्रम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से आप निकालो लोअर मार्क्स कितने हैं। तो सबसे पहले निकालो स्मॉलेस्ट कितने हैं, एस कितना है 35, और एल कितना है, लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, एल वो कितना है 92, ठीक है? अब यहां से निकाल लो रेंज कितना होगा, रेंज हो जाएगा 92 माइनस 35, ठीक है? तो 92 माइनस कितना 35, यहां से 12 में से 5 जाएगा 7, 8 में से 3 गया 5, ये मिल गया 57, ठीक है? अब यहां से निकाल लो कोफिशियंट ऑफ रेंज कितना होगा, कोफिशियंट रेंज कितना निकाल के आएगा, कोफिशियंट रेंज कैसे निकालेंगे, थैंक यू, ठीक है? कोफिशियंट रेंज कैसे निकल कर आएगा, तो यहां से क्या निकालोगे, एल माइनस एस अपॉन में एल प्लस एस, ठीक है? एल की वैल्यू कितना है हमारे पास 92 माइनस 35 और 92 प्लस 35, ठीक है? 92 में से घटा दो कितना 57 और अपॉन में कितना 5 3 8 9 3 12 128, क्या करना इसको सॉल्व कर देना, यह आ जाएगा आपका कोफिशियंट ऑफ रेंज, ठीक है? तो इस तरह से आप कोफिशियंट ऑफ रेंज और रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इसको बना लो फटाफट। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में, यहां पे तो आपको समझ में आ गया कि चलिए सर इस तरह के क्वेश्चन हम निकाल लेंगे, कभी कभी क्या होते हैं एग्जामिनर जो होते हैं ना, थोड़े से वाओ वेरी गुड 0.04 सॉरी 0.44 वाह वर्मा जी बात। चलिए कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर थोड़ा सा सनकी होता है, सनकी समझ में आता है क्या होता है, सनकी का मतलब होता है एग्जामिनर कुछ अलग कैटेगरी का होता है, ठीक? वो क्या करता है, उसको क्या क्वेश्चन को क्या करता है, थोड़ा सा घुमा देता है। अब वो घुमाता कैसे है अभी आपको बताते हैं, डस्टर ढूंढते हैं। क्या करता है कि जो क्वेश्चन हमने इस तरह से कराए, इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से एग्जामिनर कैसे पूछता है,
मान लो कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का, चलो हमारे पास सपोज करो कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिए गए, ठीक है, और उस मार्क्स को हमें कहा जाए कि कम करो, इस दिए गए गिवन स्टूडेंट्स के मार्क्स का आप रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो। और कैसे दिया जाता है, देखो ये मार्क्स हैं, ठीक है, मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। मार्क्स जो दिए गए इस रेंज में दे दिया गया। आप तो कहोगे सर तो आप तो पढ़ाए नहीं थे, आप तो कुछ डाटा देकर पढ़ाए थे, ऐसे अगर क्वेश्चन होंगे तो कैसे सॉल्व करोगे। और यहां पे क्या कर दिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे देते हैं, 5, 10, लो 100 स्टूडेंट का हमारे पास डाटा दे दिया गया, ठीक है। अब हमें इस तरह के क्वेश्चन अगर मिल जाए तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना, अगर इस तरह के क्वेश्चन हमको मिल जाए तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें लोअर लिमिट क्या ढूंढोगे और हाईएस्ट लिमिट क्या ढूंढोगे। वहां पे तो था कि हम एक ऑर्डर में सजा देते थे, लोवेस्ट ढूंढ लेते थे, हाईएस्ट ढूंढ लेते थे। ऐसे क्वेश्चन के लिए लोवेस्ट और हाईएस्ट क्या ढूंढेंगे, तो एक बात को याद रखना, ये जो रेंज शुरू हुआ है ना, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60, 70, 80, इसके जो पहली डाटा है इसे एस मानना, जो स्मॉलेस्ट ये 0 होगा, और जो लास्ट डाटा है ये है आपका एल। कहां निकल रहा, समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन में और आसान है, आपको कुछ भट, ये आप फ्रीक्वेंसी देखकर मत कंफ्यूज हो जाना कि फ्रीक्वेंसी को क्या किया, 5, 10, 15, 20, इसको हम बढ़ते क्रम में सजाएं, ऐसा कभी मत करना। जो भी हमें निकालना है वो यहां है, रेंज हमको इस डाटा से मतलब है, इस डाटा से आप कदापि मतलब मत रखना, ठीक है। इसको उठाना इनिशियल और यहां देखना फाइनल, एल एस हो गया 0, एल हो गया 80, यहां से मिल गया आपका रेंज इक्वल टू क्या, एल माइनस एस यानी कि 80 माइनस 0 यानी कि 80, ठीक है। और यहां कोफिशियंट ऑफ रेंज, कोफिशियंट ऑफ रेंज कितना आएगा, एल माइनस एस अपॉन में एल प्लस एस, कितना, 80 माइनस 0 अपॉन में 80 प्लस 0, ठीक है। तो 80 प्लस और कितना हो जाएगा, 80 अपॉन में 80, यहां से आ गया 1, ये हो गया आपका रेंज। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको इस तरह की कहानी हो तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि जो भी डाटा हमको दिया है उसमें फर्स्ट को आप स्मॉलेस्ट मान लेना, लास्ट को आप लार्जेस्ट मान लेना, कोफिशियंट पर ध्यान मत देना, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पप्पू दे सकता है, तो इस बात को याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन का एक और पैटर्न होता है, देखो हम तुमको हर पैटर्न का क्वेश्चन बता दे रहे हैं, वैरायटी जितना आप सीखोगे, क्योंकि हमें, हम ग्रेजुएशन में हैं और ग्रेजुएशन में क्या होता है कि हमें नॉलेज गेन करना होता है, ठीक है। ये नहीं होता है कि सिर्फ हम लोग जो काम करते हैं वो नॉलेज गेन करने के लिए काम करते हैं। हमें एग्जाम नहीं पास होना है, आपके दिमाग में सेटअप होना चाहिए कि एग्जाम पास नहीं होना, एग्जाम तो हर कोई पास हो जाता है, हमें थोड़ी सी ज्ञान नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए हमें सीखना है, ठीक। देखो इसी क्वेश्चन का एक और पैटर्न होता है, वो क्या होता है, इसका नेक्स्ट पैटर्न क्या है, सपोज करो कि जूलॉजी के पेपर में कुछ बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं, ठीक है, जूलॉजी के कुछ पेपर है और यहां पर बच्चों को जो मार्क्स मिलता है वो मार्क्स है लेस देन 10, 10 से कम मार्क्स है, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। ये अब डाटा क्या हो गया, अब तो ये 0 से 10 हुआ, ये 10 से 20, 20 से 30, ऐसा तो कुछ डाटा दिए नहीं, ठीक है। और यहां पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये आपके 4, 10, 14, 6, 20, 5, 25, 11,
25, 11, 36 और 14, 50। ठीक है, एक काम करो, थोड़ा सा इसको हम क्वेश्चन की थोड़ा वैरायटी बदलते हैं। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन होता, ध्यान रखो, हाँ बता देते हैं इसमें भी, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, इसमें डाटा भी तो दिए थे, वैसा होता तो लेस देन 10 से लेस देन 0 मतलब क्या होता है? लेस देन कहां से होता है? 0 से लेकर 10 तक। इसमें भी हम रेंज क्या लेकर चलेंगे? 0, और मैक्सिमम क्या लेकर चलेंगे? 10। लेकिन एक काम करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन को और हम वो करते हैं, ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलो, 4 कहां गया? 4, 10, 30, 40, 55, 60। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ये मार्क्स हमें मिला है। ठीक, अब यहां पे जो हमें कैलकुलेट करना, ध्यान का क्वेश्चन हम बदलने जा रहे हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेंज ऑफ, कैलकुलेट द रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय मिडिल 50% ऑफ द स्टूडेंट्स। लो, सिर्फ बीच के 50% स्टूडेंट्स का, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू, सिर्फ 20 बीच के 50% स्टूडेंट्सों का आपको मार्क्स का रेंज निकालना है। क्वेश्चन के तरीके बदल गए, अभी तक क्या करते थे हम लोग? सिंपल रेंज निकालते थे। अगर सिर्फ सिंपल रेंज निकालना है तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? लेस देन 0 का मतलब क्या? 0 से लेकर 10, यहां 0 लोगे, यहां 10 लोगे, और यहां क्या था? 50 से लेकर 60 तक। तो भाई लेस देन 10 0, यहां एल होता 0 और सॉरी S होता 0 और L होता 60। फिर से निकालते 60 माइनस 0, ये तुरंत हमारे पास रेंज निकल जाता और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल देते L माइनस S अपॉन L प्लस S। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या किया है, ये क्वेश्चन ने क्वेश्चन की ट्विस्टेड है, तरीके बदल गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मिडिल 50% स्टूडेंट का मार्क्स हमें निकालो, 50% स्टूडेंट का रेंज निकालो, फिर कैसे निकालेंगे? लगाओ दिमाग। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन के तरीके सीखो, पैटर्न क्या होंगे उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में जो होता है ना, अब हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में एक हम कॉमन फैक्टर टर्म यूज करते हैं। देखो, अब ऐसे जो क्वेश्चन हमको मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रियल में होता नहीं है, पहले क्वेश्चन में कह दिया कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, पर ये रियल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता नहीं है, ये क्योंकि ये सम है, कहेगा कि द टोटल, ऐसे क्वेश्चन क्या है कि द मार्क्स ऑफ टोटल 60 स्टूडेंट्स इन जूलॉजी ऑफ बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स देन कैलकुलेट द रेंज ऑफ मिडिल 50% स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ऐसे है, कहेगा कि टोटल हम 60 स्टूडेंट दे दिए, उसका मार्क्स हम यहां पर दे दिए हैं, और फिर कहता है कि बीच के 50% मार्क्स को कैलकुलेट करो। बेटा, आपको पता है ये जो 60 जो दिख रहा है ना, ये जनरली फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये अगर सही तौर पर कहे तो ये क्वेश्चन में आपको भरमाने के लिए, ये एक्चुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ये एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या बोलते हैं इसको? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी अब कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी जो है अब हमें फ्रीक्वेंसी यहां से निकालना होगा। ध्यान रखेंगे, अब हमें यहां से क्वेश्चन डाल रहे हैं, अब हमें यहां से फ्रीक्वेंसी निकालना है।
कैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एक को दूसरा, चार, चार से दस के बीच का गैप, छह, दस से तीस के बीच का गैप कितना होता है बीस, बीस से तीस से चालीस का गैप कितना दस, ठीक है, चार दस, यहां से गैप हो गया बीस, यहां से गैप हो गया दस, अब इसको इसमें माइनस करो कितना हो गया पंद्रह, ये हो गया पांच। अब इसको आप जोड़ दो, छह चार दस, दस बीस, तीस चालीस, अब बीस साठ, ये रियल में फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। तो देखो अगर क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर मानते हैं कि हमारे पास दे दिया गया, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर इसके आप फ्रीक्वेंसी अगर आपके एग्जाम में दे देता है तो ठीक है, चलो इसको तुम फ्रीक्वेंसी मान लेना, तो एक काम कर लेना, तुम यहां से क्यूमुलेटिव निकाल लेना, ठीक है, दोनों की रेंज एक ही होती है, या तो तुमको फ्रीक्वेंसी अगर दे दिया गया तो तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ठीक है, दोनों तरीके कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग, अगर आप इसको अगर हमारे किताब में कहता है कि ये फ्रीक्वेंसी है तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए बाद में क्या करते हैं, अभी हम बोल दें कि नहीं एक्चुअली क्या करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो बाद में आप सोचने लगोगे कि सर कब क्यूमुलेटिव होगा और कब फ्रीक्वेंसी होगा, इसीलिए आप इसको अगर फ्रीक्वेंसी समझते हो तो इसको क्या करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लो, ठीक, ये आप सीएफ निकाल लो, पर एक्चुअली ये क्यूमुलेटिव होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसको फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारे किताब में फ्रीक्वेंसी का नाम से जाना दिया है, मान लिए फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या करते हैं क्यूमुलेटिव निकाल लेते हैं, जो डिफरेंस निकाल लेते हैं इनके बीच में, जैसे ही डिफरेंस निकलेगा, अब डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, अब चूंकि टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितना है ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, तो जो हमारे पास रेंज है, अब मिडिल के 50% स्टूडेंट है, इसका मतलब क्या है भाई, मिडिल के 50% स्टूडेंट है मतलब कि आपको एक रेंज निकालना है, फिर दूसरा रेंज निकालना है, फिर तीसरा निकालना है, इस तरह से आपको रेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो चूंकि आप एक काम करो, जो हमारे पास डाटा दिया गया है, ठीक है, अब इस डाटा को एक फॉर्मूला आपको निकालना है, ठीक है, मिडिल फिफ्थ का मतलब होता है, अब क्या करो कि जो हमारे पास 60 है, 60 को 40 भाग में, चार भाग में बांटो तो कितना हो जाएगा 15-15%। भाई बीच का 50 का मतलब क्या होता है, शुरू का 15% Q1, ठीक है, लास्ट का Q3 अगर मान ले, लास्ट का 15%, तो बीच का कितना बच गया हमारे पास, भाई टोटल हमारे पास कितना है 60 है, टोटल हमारे पास 60 है, ऐसा समझो टोटल हमारे पास वैल्यू स्टूडेंट कितने हैं 60 है, 60 है मतलब कि शुरू के 25% और लास्ट के 25%, हम 100% की बात कर रहे हैं तो कितना होगा, शुरू के 25% मतलब कि 15 और लास्ट के मतलब कितना 15, अब बच गए हमारे पास बीच के कितने हमारे पास है, जिसको हम लोग Q2 कहेंगे, वह है आपके पास 50%, ये आपका मिला कितना 30, ठीक है। रेंज जो होंगे हम इसको तीन सेक्शन में बांटेंगे, अब हमें ये बीच वाला रेंज का कैलकुलेट करना है 30 बच्चों का, ठीक है, शुरू के 15 और लास्ट के 15 हमको नहीं ध्यान रखना है, मिडिल का 50% कैलकुलेट करना है, मतलब कि आपको जब भी कह सकता है शुरू का 30% लास्ट का 30%, तो आप क्या करना, पूरे डाटा को जितना परसेंट देगा उससे आप कैलकुलेट करें, शुरू का दिया 50%, शुरू का 50 का मतलब क्या टोटल मिलाकर 100%, ठीक है, 25% शुरू का और 25% लास्ट का और मिडिल का 50%, ठीक है। तो मिडिल का 50% का मतलब हो गया कि मान लो कि हमारे पास 10 है तो 10 में ढाई चला गया लास्ट का, ढाई चला गया लास्ट का 5 और बीच का जो बच गया 5, तो ये हमको बीच का जो 5 है इसी का हमें रेंज और फ्रीक्वेंसी रेंज कोफिशियंट कैलकुलेट करना है, आ रही समझ में बात। तो इस तरह से आप शुरू का 50% और लास्ट का 50%, अब ऐसे हमारे पास अगर डाटा कैलकुलेट करने के लिए मिले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L1 मतलब होता है लोएस्ट रेंज प्लस N/4 माइनस CF / F / H,
ये आपका रेंज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को अब यहां पर यूज करना है। ठीक है, चलिए अब एक काम करिए, अब इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करिए। शुरू के आप देखिए कि हमारे पास सबसे पहला आपको ये डाटा छांटना होगा कि हमारे मार्क्स जो होंगे वो कितने से कितने को सकते हैं, 30 से लेकर, ध्यान रखेंगे हमारे पास लास्ट के 30, मतलब कि जो हमारे पास स्टूडेंट हैं, शुरू के आपके 15 स्टूडेंट को छांट देना है, लास्ट के 15 स्टूडेंट को छांट देना है, और जो बीच के स्टूडेंट है उसको एक पार्टिकुलर रेंज के हिसाब से कैलकुलेट करना है। एक मिनट हमारा मोबाइल, एक मिनट। ठीक है, अब देखो बेटा, अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो मतलब कि जो शुरू के हमारे पास 50%, ठीक है, फिर 25%, फिर 50%, 35%। अब जरा देखो, शुरू के 25% हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं, 60, यानी 15। देखो बेटा, 15 कहां है, देखो जो हमारे पास CF की जो वैल्यू है, ठीक है, जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, जो टोटल सम है, और ये क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो हमारे पास ये क्या है, समझो यहां पर कैसे करना है, थोड़ा सा पूरी पेशेंस के साथ क्वेश्चन को समझना, थोड़ा सा भी कंफ्यूज करोगे टोटल बर्बाद हो जाएगा। ये है आपका नंबर ऑफ, क्या है, क्यूमुलेटिव टोटल है ना, ये 4 है, ये 4 था, ठीक, ये डिफरेंस आ गया, ये आपका हो गया डिफरेंस हो गया, तो ये मिल गया आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कह देंगे, और ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप समझो 25% है, मतलब 15 है स्टूडेंट। अब थोड़ा गौर से देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में किसमें जो है हमारे पास 15% डाटा है, मतलब 6, 10, 15 यहां है, ठीक है, मतलब कि 20 है यहां पे, 6 से 15 ज्यादा है, ध्यान रखेंगे 6 से 15 ज्यादा है, मतलब हमें इस डाटा पे ध्यान देना है, मतलब कि ये 0 से 10, ये है 10 से 20, ये है 20 से 30, ये कितना है 30 से 40, ये है आपका 40 से 50, ये है 50 से 60, ये है 60 से, ठीक है, ये डाटा है। अब समझ लो कैसे, अब जो ये 50% 15 है, 15 कहां आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब ये है 15 वाला, तो सबसे पहले आप 15 वाला का कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले Q1 निकालोगे, तो लिखना मार्क्स, यहां से लिखते हैं मार्क्स ऑफ कितना है 25 ना सॉरी 15 मार्क्स ऑफ 15 शुरू के 15 स्टूडेंट्स, 4 सेक्शन बटेगा, मार्क्स ऑफ 10 to 30, क्यों बेटा 10 से 30 क्यों ले जाओगे, क्यों 10 से 10 30 ले जाओगे, ये जो रेंज है बेटा हम लोग का, वो रेंज क्या है, लेस देन, जो उसका मतलब क्या है, 0 से 10, ये 10 से 20 है, ये 20 से 30 है, ये 30 से 40 है, ये 40 से 50 है, ये 50 से 60 है, तो जो हमें इस टर्म में, अब ये हमारा 15% शुरू के 15 वाले को हम लोग है, तो यहां से क्या होगा कि अब हम 15th स्टूडेंट का जो हमारे पास कैलकुलेशन होगा उसको क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान रखेंगे इसका लोएस्ट रेंज कितना होगा, L1 कितना होगा 20, ठीक है, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है 20, फ्रीक्वेंसी कितना है 20, क्यूमुलेटिव कितना है 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है, तो अब इसको क्या करो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 60 बटा 4, मतलब 15.15, ठीक है, तो यहां एक काम करो फॉर्मूला निकालो, मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है यहां पे, स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू L1
प्लस एन वाई फोर माइनस सी एफ अपॉन में कितना एफ इंटू एच। रखो तो फटाफट फॉर्मूला कितने होंगे, यहां पर आ गए एल वन की वैल्यू कितना है 20 प्लस, ठीक है कितने स्टूडेंट हमको निकालना है 15 स्टूडेंट है, तो सीधा आप रख दो कितना जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपका कितना 15 स्टूडेंट है, 15 माइनस सी एफ की वैल्यू कितना है यहां पर सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना है 30 और नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया फ्रीक्वेंसी। तो कुछ डाटा हम लोग का गलत हो रहा है, यहाँ हो गया n by 4, 15 स्टूडेंट का हो गया, 15 स्टूडेंट की वैल्यू आ गई 15, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया आपका कितना, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका हो गया 30 सॉरी थोड़ी सी इंटरनेट की दिक्कत हो रही है यहाँ पर। देखो अभी हमने क्या कहा कि जो हमारे पास 15th मार्क्स है, ध्यान रखेंगे मार्क्स की संख्या कितना है 15 है, ठीक है ध्यान रखेंगे हम थोड़ा सा ये जो कैलकुलेशन ले रहे हैं क्या है हमारे पास 20 से 30 है, यहां पे कितना था आपका डाटा कितना था यहां पे 14 कितना वैल्यू था यहां पर कोई बताए 30 था क्या, चलिए ठीक है तो यहां पे कितना हो गया 4 6 10 यहां पे कितना हो गया था 20। हाँ देखो अब क्या करना है कि अब हमें निकालना किसका है मार्क्स ऑफ 15th स्टूडेंट, मतलब कि अब जरा देख के बताओ 50 स्टूडेंट मार्क्स 15 नंबर, ध्यान रखेंगे 15 नंबर कहां है, ये है 10 से 20 के बीच में। वर्मा जी आप बिल्कुल सही जा रहे थे, मार्क्स कहां है 15 मार्क्स है कहां पे 10 से 20 के बीच में, ठीक है तो 10 से 20 है 15 मार्क्स यहां पे है तो कहां से 10 से 20 के बीच में 15 मार्क्स है और टोटल मार्क्स कितने हैं 60 है, ठीक है तो यहां पर निकालेंगे तो क्या होगा L1 प्लस एन वाई फोर माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। अब रख दो क्योंकि वो डाटा हम लगा रहे थे तो उसमें निगेटिव वैल्यू आ रहा था, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास 10 है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना 10, एन की वैल्यू ठीक है एन की वैल्यू जो हमारे पास है कितना हमारे पास यहां एन टोटल नंबर अब कितने स्टूडेंट है, ठीक है उसके बाद से माइनस क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना हमारे पास 6 हो गए, ठीक है तो टोटल कितने 60 यानी कि 15 डायरेक्ट 60 बटा 4 15 माइनस सी एफ की वैल्यू कितना हमारे पास कितना निकाले हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना यहां पर 10 और बटे में फ्रीक्वेंसी कितना है 6 और गुणे हाइट कितना है 10 निकाल दो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 5/6 गुणे 10 कितना हो जाएगा 10 एज का वैल्यू बताओ कितना होता है 50 यानी कि 3 5 25/3 8 3 24 10 3.33 यानी 18.33 ये आ गया आपका एक वैल्यू किसके लिए 15 मार्क्स के लिए, ठीक है आएगा समझ में। ये हो गया फर्स्ट 25% का। अब इसके बाद आपको निकालना है
इसके बाद का 50% का, मतलब कहां से कहां तक का, 15 मार्क्स से लेकर और आपको आना है कहां तक, 45 मार्क्स तक, ठीक है। और फिर 45 से लेकर आपको लास्ट के 60 निकालना है, तीन रेंज में चलना है, ठीक है। तो अगर हमें इसके सेकंड पोर्शन की तरफ अगर आए तो इसका 25%, ठीक है। अब इसके बाद 25% से लेकर कहां तक, 45% तक जाओ, सॉरी 25% हमको मिल गया, 25% हम लोग 15 स्टूडेंट का निकाल लिए, मतलब अब हमको रेंज जो होगा वो कहां से होगा, 15 से लेकर 45 मार्क्स। अब जाओ 45 मार्क्स वाले के लिए, ठीक है। अब कहां जाना है, 45 मार्क्स की तरफ। तो 45 मार्क्स कहां है, 40 से 50 के बीच में। 15 का निकाल लिए, यहां से आया आगे का 50%, कहां आगे का 15 मार्क्स के बाद 50%, मतलब कि 15 से लेकर कहां तक, 45 तक, और लास्ट का फिर 50 क्या कहते हैं 25%, ठीक है। तो शुरू का 25% यानी 15 मार्क्स, बीच का 50% मतलब कि 15 से लेकर 45 मार्क्स, और लास्ट का कौन सा 25% मतलब 45 से लेकर 60 मार्क्स, ठीक है। तो मतलब अब हमें जो इस डाटा को याद रखना है, ये Q1 कहलाएगा कितना, 18.33, ठीक है। अब निकालो मार्क्स ऑफ 45th स्टूडेंट या 45th स्टूडेंट कितना होगा, जो हमारे पास 45 था, ठीक है, वहां पर रख दो तो कितना हो जाएगा, L और प्लस कितना 45 हो, 45 माइनस CF की वैल्यू क्या है, यहां पर CF, यहां पर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू पे डालो कितना हो रहा है 40, और प्लस इसकी